नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा स्टील शेयर न्यूज के बारे में, शेल के शेयर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में दोस्तों, और श्याम मेटेलिक शेयर के न्यूज के बारे में दोस्तों। दोस्तों श्याम मेटेलिक्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, अभी नया आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो क्या इनके रिजल्ट्स रहेंगे और क्या टारगेट प्राइस होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इन तीनों शेयर का डिस्कशन करें। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके तीनों की सबसे पहले हम लोग न्यूज जान लेते हैं। तो सबसे पहले शेल की टारगेट प्राइस जो दिए हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 160 के टारगेट प्राइस दिए हैं, और इसके अलावा दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने 185 के टारगेट प्राइस दिए हैं और बताया है उन्होंने कि किस वजह से, क्योंकि रिजल्ट्स अप थे 17.68%। और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो भी काफी बढ़ चुकी है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है कि आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेल के लिए निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि अडानी टोटल गैस सेल और एनएमडीसी रिक्लासिफाइड एज ए लार्ज कैप बाई एएमएफआई। एएमएफआई क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ये क्लासिफाई करते हैं। तो शेल और एनएमडीसी और अडानी टोटल गैस लार्ज कैप में आने के बाद इसमें खरीदारी, लार्ज कैप फंड इसमें खरीदारी और करते हैं। तो लार्ज कैप फंड इसमें खरीदारी करेंगे सेल और एनएमडीसी के शेयर में, तो इससे शेयर अप जाने के चांसेस हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम श्याम मेटेलिक की तरफ देखें तो श्याम मेटेलिक्स का आईपीओ जब लॉन्च हुआ उसके बाद जो लिस्टिंग हुई, यहाँ पे देख सकते हैं 367 के प्राइस थे, करंटली 412 के प्राइस पे कर रहा है, और लगभग जो इसका आईपीओ आया था 303 के आसपास प्राइस में था। तो करंट लेवल्स अभी लगभग लगभग 30 से 35% अप है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम रिजल्ट देखें इनके कि क्या रहे लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर और क्या एक्सपेक्टेड है, तो लगातार इनका देखिए तो अर्निंग जो टोटल इनकम है वो लगातार ग्रो होता ही जा रहा है मेटल सेक्टर में, और इस बार तो मेटल सेक्टर बूम पे है, तो इस बार डबल सेट के करीब टोटल इनकम होने के चांसेस हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम प्रॉफिट देखते जाएं तो जो लास्ट ईयर थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ था मार्च में 2020 में, और लगातार इनका प्रॉफिट हमेशा जंप होता रहा है, इस बार प्रॉफिट में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। लगभग लगभग कह सकते हैं कि प्रॉफिट में 300 to 4% जंप देखने को मिल सकता है। एबिटा में भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम टाटा स्टील पे फोकस करें तो टाटा स्टील डीलिवरेजिंग एंड कैपेक्स टू गो हैंड इन हैंड, ये एक न्यूज दोस्तों आज की है, और उसकी वजह से टाटा का मार्केट कैप, टाटा कैप स्टील का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। और आगे चल के अभी जो LIC ने 2.02% स्टेक इन द कंपनी वाया ओपन मार्केट ये बाई किया, तो कहीं ना कहीं इस शेयर के अप होने के चांसेस हैं, अपसाइड पोटेंशियल। वैसे भी नमूरा और अदर एजेंसीज ने इनके टारगेट प्राइस लगभग 1500 से 1600 के आसपास रखे हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों एनालिसिस की तरफ। यहाँ पे देखें सबसे पहले शेल की एनालिसिस, अभी अभी जस्ट 50 डे मूविंग एवरेज को दोस्तों इसने क्रॉस किया है आज के दिन लगभग 127 रुपए के आसपास, और बुलिश कैंडल के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। अरुण कर्व ने भी बुलिश फॉर्मेशन दे दिया है, तो अब आपको दोस्तों जो डाउन साइड है 120 का मात्र स्टॉप लॉस लगाना है। यहीं से हर बार दोस्तों ये कंसोलिडेट करके रिटर्न कर रहा था और काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था ये, तो अब 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए
और ऊपर का लेवल बहुत जल्दी दोस्तों 140 से 145 के लक्ष्य मिलेंगे। तो 140 के पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में 120 के स्टॉप लॉस के साथ, वहीं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 160 प्लस के टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस दोस्तों आपको 100 रुपीज के आसपास मेंटेन करना है। तो ये थी दोस्तों सेल के बारे में। अब हम अगर टाटा स्टील का चार्ट देख लें तो टाटा स्टील में लगातार 3 बुलिश कैंडल 3 वॉल्यूम पिकअप हुए हैं, RSI 66 के आसपास पहुंच गया है, अरुण बुलिश कर्व में दे रहा है, तो सारे फैक्टर सपोर्टिव हैं। इसने 50 डे मूविंग एवरेज को सरपास किया था 1126 को, 1126 के रेट पे, और 1145 के रेट पे आपका 20 डे मूविंग एवरेज को सरपास किया और वहीं से बुलिश कैंडल बनाया। तो जब जब इस तरह का मूव आता है ये मूव लगभग इसको 1270 से 1300 के लेवल लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 1400 से 1500 के टारगेट जो भी दिए हैं वो जा सकते हैं। बट शर्त है दोस्तों मार्केट सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है इस समय। तीसरी स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे आपको लगाना होगा, अगर थोड़ा सा लॉन्ग रन में रखना है तो 1070 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं दोस्तों तो 1160 के स्टॉप लॉस लगा के आपको शॉर्ट टर्म में रखना है और अपसाइड 1270 तक जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेनी है। तीसरा शेयर दोस्तों श्याम मेटेलिक का है, काफी कम डेटा है इसमें हमारे पास, लेकिन जो भी डेटा है उससे ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो मूवमेंट था इसका 375 के आसपास का कंसोलिडेशन जोन था, 370 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल 460 से 470 के लेवल इजली देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम काफी पिकअप हो रहे हैं इस शेयर में, रिजल्ट्स अच्छे जाने की उम्मीद है। और अगर दोस्तों 1 से 2 दिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप फोकस कर रहे हैं तो 390 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर के लेवल आपको 430 से 440 के टारगेट आ सकते हैं इस शेयर में। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।